नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मनरेगा कानून को योजना में बदलने के सीएम के सुझाव पर मचा बवाल, भाजपा के पदाधिकारियों में नजर आया विरोधाभास। सीएम के मनरेगा कानून को योजना में बदलने के सुझाव को पूर्व मुख्यमंत्री ने ठहराया गलत, कहा मनरेगा को कानून ही बना रहने देना चाहिए। और 26वें दिन भी जारी रहा कंप्यूटर शिक्षकों का धरना, दंडवत रैली निकालने की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नितिन गडकरी को मनरेगा कानून को योजना में बदलने के सुझाव भरे पत्र के सार्वजनिक होने के बाद बवाल जारी है। सीएम की इस सलाह ने देश के राजनीतिक हलकों को बहस के लिए मुद्दा तो दे ही दिया है, प्रदेश की सियासत भी बहस से अछूती नहीं दिख रही है। सीएम वसुंधरा राजे ने मनरेगा कानून को स्कीम में बदलने को लेकर केंद्र को सलाह क्या दी, इस सलाह ने एक नई बहस को, एक नए विवाद को जन्म दे दिया। राजे की सलाह पर विपक्ष की भले राय अलग अलग हो, लेकिन पार्टी कुनबे में ही इस सुझाव को लेकर विरोधाभास नजर आने लगा है। मनरेगा कानून को लेकर राजे की इस सलाह पर जयपुर सांसद के ख्याल मेल नहीं खाते दिख रहे हैं। मनरेगा कानून को योजना में बदले जाने की सलाह पर पूछे गए एक सवाल पर जयपुर सांसद ने कहा मनरेगा को कानून ही रहने देना चाहिए। उधर मनरेगा कानून में बदलाव करने के मुद्दे पर भाजपा संगठन से जुड़े कुछ नेता नब्बे तुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो कुछ किसी भी तरह की टिप्पणियां करने से कतरा रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने तो इस मुद्दे को सीएम के क्षेत्राधिकार का मसला बताते हुए टालने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं सरकार में राज्य मंत्री अरुण चतुर्वेदी राजे के सुझाव में ही हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। लगता है आज मुख्यमंत्री जी का जो ट्विटर के ऊपर जो सब अखबारों में छपा है, उसके बाद कोई भ्रम की स्थिति नहीं लगी, सब चीज क्लियर। उधर मनरेगा कानून को योजना में बदलने के मौजूदा सीएम की केंद्र को दी गई सलाह को पूर्व सीएम की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मनरेगा एक्ट को समाप्त कर स्कीम के रूप में उसे लागू करने की बात करना संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। गहलोत ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मनरेगा ने देश के गरीबों को जीवन यापन के लिए गारंटी के साथ काम देने का कानून बनाकर उनको बहुत बड़ा सबल प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा कानून को समाप्त करने के मायने ये होंगे कि पहले की तरह गरीब मजदूर काम के लिए भटकते रहेंगे, प्रशासनिक मशीनरी की दया के पात्र बन जाएंगे, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, और साथ ही उनको अपनी मजदूरी का उचित परिश्रमिक भी नहीं मिल पाएगा। वहीं मनरेगा एक्ट को स्कीम में बदलने की मुख्यमंत्री की सलाह पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी एतराज जताया है। जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की साजिश करार दिया है। अरुणा राय ने कहा है कि मनरेगा की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर मजदूरों को रोजगार की गारंटी तो मिली, साथ ही आजीविका चलाने के लिए न्यूनतम मजदूरी भी मिल रही है। इस तरह से कॉरपोरेट घरानों के लिए मजदूरों की कमी भी सामने आ रही है, लिहाजा एक साजिश के तहत कॉरपोरेट कंपनियों को लाभ दिलाने के मकसद से मनरेगा जैसी योजनाओं को बंद किए जाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए जीती क्योंकि इसको पूरे जो बड़े बड़े कंपनियों ने इनको साथ दिया है। बड़े कंपनियों का ये कहना है कि नरेगा रहेगा तो उनको गरीब सस्ते में नहीं मिलेंगे मजदूरी करने के लिए। बहुत दिन की एक तर्क तो 5-6 साल से घूम रहा है पूरे भारत में कि मजदूर इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि उनको नरेगा न्यूनतम मजदूरी सही मिला दे देती है, तो उनके लिए कोई बार्गेनिंग पावर मिल गया कि वो कह सकते हैं कि हमें न्यूनतम मजदूरी दो, नहीं तो हम नरेगा में काम करेंगे। नरेगा को खत्म करने के पीछे 3-4 विशेष कारण है। एक तो कॉर्पोरेट्स को खुश करना है, उन्होंने सरकार को बनाया है, इसको सपोर्ट किया है, इसको पैसे दिए हैं, तो उनके मैंडेट और कंस्टिट्यूएंसी तो कॉर्पोरेशंस हैं, तो वो कॉर्पोरेशंस नरेगा को नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है कि नरेगा सबसे पहला कार्यक्रम ग्रामीण कार्यक्रम है जिसमें एक ग्रामीण व्यक्ति को पता लगा कि मेरे गांव में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, और भ्रष्टाचार को उजागर इसलिए करा रहे हैं वो लोग क्योंकि उनको मालूम है पिछले 65 साल में या 54 साल में जितने भी सालों से हमें पैसे आ रहे हैं, हमें ये भी नहीं मालूम था पैसा क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का आरोप गलत लगा रहे हैं, ये तो इससे
इनको तकलीफ है कि लोग सशक्त हो रहे हैं, लोग सशक्त होकर सारे राजनीति में, बुनियादी राजनीति में दखल देते हैं। उनकी राजनीति के नाम वो पार्टी के नहीं है, मगर वो सत्ता चलाने वाले पद्धति में वो पूछ रहे हैं बुनियादी सवाल, इसलिए वो नहीं चाहते। स्कूल एकीकरण के मसले पर शिक्षक संगठन और राज्य सरकार आमने सामने है। जहां सरकार के नुमाइंदे इसे स्टूडेंट के हित की बात बता रहे हैं, तो उधर शिक्षक संगठन ने इसे आरटीई नियमों की अवहेलना करार दिया है। जयपुर में शिक्षक संगठन शेखावत की ओर से आयोजित सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई, जिसमें कई शिक्षाविद मौजूद रहे। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य सरकार एकीकरण का कदम उठाने जा रही है, जिसमें कम संख्या वाले स्कूल को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। लेकिन स्कूल एकीकरण को लेकर शिक्षक संगठन राज्य सरकार के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक संगठन ने स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज करने को गलत करार दिया है, साथ ही स्कूलों को सुविधा देने की मांग की है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के द्वारा जो राजस्थान में अभी वर्तमान सरकार के आने के बाद में जो शिक्षा के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उन निर्णयों को आधार रखते हुए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें स्पष्ट है कि राज्य की शिक्षा को बचाएगा एकीकरण का निर्णय लिया हुआ है कि विद्यालयों का एकीकरण किया जाए। कक्षा एक से लेकर के 12 तक की विद्यालयों को एक साथ किया जाए छात्र। इस मुद्दे को लेकर के आज यहाँ सेमिनार की गई। उस सेमिनार में कॉलेज प्रोफेसर सामान्य श्री राजीव जी गुप्ता को मुख्य वक्ता के रूप में लाए गए हैं। राजस्थान के प्रत्येक गांव और कस्बे से शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हैं, जो हमारे संगठन उप शाखाओं के तहसील अध्यक्ष, तहसील मंत्री और जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री और प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य। आज हम इसमें ये मंथन करेंगे कि ये जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो एकीकरण और जो सामान्यकरण किया जा रहा है, वह राज्य के छात्रों के हित में है या नहीं। आज के इस सेमिनार में यह हमने बहुत स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार एक कानून बनाया गया है। उस शिक्षा के अधिकार में जिस प्रकार से जो अधिकार बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया, उस अधिकार में कहीं भी ये जो एकीकरण योजना है वो मतलब क्या सही नहीं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में जो सरकार आई है वो पूरी तरह से शिक्षा जो सरकार की जिम्मेदारी है उससे दूर भागते हुए इसको व्यवसायीकरण करने पर आमादा है। सरकार ने ये सोच रखा है कि एकीकरण और सामान्यकरण के नाम पर सरकारी स्कूली व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और आम नागरिक और बालक को जो शिक्षा माफिया है उनके हवाले कर दिया जाए, ताकि शिक्षा माफिया व्यवसाय के नाम पर लूट करते रहे और आम आदमी का बालक उस लूट का शिकार होता रहे। जन कल्याण और चैरिटी, जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, प्रकारांतर में सरकार उससे पल्ला झाड़ रही है। इसके मूल में जो कारण है वो शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप है। हमें नहीं समझ में आता कि 1,00,000 टीचर्स के पद खाली पड़े हैं, भर्ती को द्रौपदी का चीर बना दिया गया, सरकार ने भर्ती नहीं की। मैं आपको 19,000 ऐसे स्कूल हैं राजस्थान में जो कि 2 या 3 शिक्षकों के हवाले हैं, विषय अध्यापक नहीं है। 1900 स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल नहीं है, और ऐसे स्कूल भी आपको मिल जाएंगे जहां 2 बालकों के ऊपर 6 शिक्षक काम कर रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से तो आए नहीं। राजनीतिक रसूख के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर, तबादलों में भारी घपलेबाजी के आधार पर उनको वहां लगाया गया। शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ का कहना है कि अकादमिक एक शोध जगत के ऊर्जावान शोधार्थी एवं लेखक अपनी बौद्धिक शक्ति द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों को लेकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित करें। शिक्षा मंत्री शनिवार को राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर के सभागार में अखिल भारतीय समन्वय संस्थान की ओर से प्रकाशित सांस्कृतिक प्रभाव शोध पत्रिका के विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने घोषणा की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पुस्तकालय में शोध पत्रिका को रखा जाए, एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र के धर्म जागरण प्रमुख राम प्रसाद ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोग इस धरती के पुत्र हैं, तथा भारतीय इतिहास सांस्कृतिक महापुरुषों से प्रेरणा एवं मातृभूमि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित कर सामाजिक सामंजस्य एवं आपसी भाईचारा बढ़ाना होगा। किस प्रकार की स्थितियां पहले थी और आज इस वर्तमान में क्या स्थिति है, उसके बारे में पूरा चित्रण इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने करने का प्रयास किया है।
और निश्चित रूप से इस प्रकार की पत्रिका यदि नियमित रूप से निरंतर प्रकाशित होती रहेगी तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की जड़ें, हमारे देश का क्या अतीत था, इसके बारे में आज की युवा पीढ़ी को पता लगेगा, उसकी जानकारी मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश की संस्कृति के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और इसलिए मैंने ये कहा है कि इस प्रकार की पत्रिकाओं को युवक पढ़े, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की पत्रिका मंगवाई जाए। इसलिए मैंने सभी हमारे जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, उनको मैंने निर्देश भी दिया है कि इस प्रकार की पत्रिकाओं को वो अपने पुस्तकालयों में मंगाएं, जिससे बच्चे इन पत्रिकाओं को पढ़कर और देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सवाई मानसिंह अस्पताल में अब सुरक्षा का जिम्मा होमगार्ड और सिविल डिफेंस संभालेंगे। SMS अस्पताल के अधिकांश सुरक्षा कर्मी काम पर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण अस्पताल प्रशासन ने अब अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स को दे दिया है। SMS अस्पताल में सिक्योरिटी का जिम्मा 7 सुरक्षा एजेंसियों को दिया है, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने, बायोमेट्रिक मशीन का विरोध और गार्डों से दुर्व्यवहार की बात को लेकर इस सिक्योरिटी एजेंसियों के कुछ गार्ड ने काम का बहिष्कार कर रहा है, जिसके कारण आज होमगार्ड्स ने अपना मोर्चा संभाल लिया और अब वह अस्पताल के हर कोने में सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। कल कटारिया जी का फोन आया, कल शाम को 7 बजे से यहाँ पे सिविल डिफेंस के 30-30 स्वयंसेवक तीनों शिफ्टों में लगा दिए गए हैं और उसी के साथ ये होमगार्ड के 40 जवान लगा दिए गए हैं, जो हर वार्ड में व्यवस्था संभालेंगे। अभी 80 लोगों के लगाने के 80-80 लोग लगाने के, मगर अभी क्या है, हर जगह फ्लड कंट्रोल रूम और DQRT के चलते हुए अभी स्वयंसेवकों को बताया नहीं गया, तो अभी तो 30-30 स्वयंसेवक हर वार्ड में लगा दिए गए हैं। राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर के शिक्षकों को हटाने को लेकर उद्योग मैदान में रविवार को 26वें दिन भी धरना जारी रहा। धरनार्थियों ने बताया कि हम इस गर्मी के मौसम में 11 जून से इस भरी गर्मी में मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन हमारी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। हम सोमवार को उद्योग मैदान में दंडवत करते हुए CM हाउस की ओर रुख करेंगे और इस गर्मी में किसी भी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी तो इसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा। आज 26 दिनों से ये धरना अनवरत जारी है। अब कई समय तक ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी बीकानेर है, कभी दिल्ली है। कल मुख्यमंत्री जी दोपहर में आ चुके हैं, सचिवालय में हमने लिखवा दिया है और आज सुबह हम CM हाउस में जाके उनको सूचित कर चुके हैं। अगर आज शाम तक हमारी सुनवाई नहीं होती तो कल सुबह यहाँ से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें महिलाएं और पुरुष शिक्षक दोनों शामिल होंगे, और इसी गेट से दंडवत शुरू करेंगे और हाथ में ज्ञापन लेंगे, दंडवत करते हुए सिविल लाइन तक मैडम के पास जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे। क्योंकि जब हमें कष्ट देने का सरकार ने सोच ही लिया है, जब 26 दिनों से सुनवाई नहीं हो रही है, इस टेम्परेचर में महिला और पुरुष जहां बैठे हैं वो भी कंप्यूटर शिक्षा देने वाले, उनको शर्म आनी चाहिए कि बच्चे 1 तारीख से स्कूल जाने लगे हैं, उनकी जो इतने दिनों की शिक्षा बाधित हुई है उसके पीछे जो इनका हाथ है। हम ये चाहते हैं कि मैडम आज शाम तक हमारी वार्ता करें, हमारी सकारात्मक वार्ता करें, हमारी बातों को माने, मांगों को माने, अदरवाइज कल इसी रोड पे अगर किसी का दम टूट गया, अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हुई, अगर किसी की जनहानि हुई हमारे कंप्यूटर शिक्षकों में, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी इस राज्य सरकार की होगी और इस संवेदनहीन प्रशासन की होगी। राजस्थान समग्र सेवा संघ व उसकी जमीन JDA द्वारा किए गए कब्जे के विरोध में आज उद्योग मैदान में प्रदेश भर के राजस्थान समग्र सेवा समिति के लोगों ने धरना दिया और जमीन वापस देने की मांग की। गौरतलब है कि 7 जून को जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था, उसके बाद समग्र सेवा समिति के लोगों ने JDA पर धरना दिया और प्रदर्शन किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसको लेकर रविवार को उद्योग मैदान में भी धरना दिया गया। ये कानूनी और सामाजिक अपराध है, हमें बिल्कुल नामंजूर है। एक व्यक्ति अपने निजी जमीन पर रहता है और उसका एक किराएदार होता है, तो उसको भी निकाल नहीं पाता है, और ये एक निजी जमीन नहीं है। एक समग्र सेवा संघ एक गांधीयन संस्थान है जो
सालों से, दशकों से यहाँ पर लोगों के लिए, लोगों के हित के काम को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा हुआ है। सब इस शहर के सभी नागरिक समग्र सेवा संघ को अच्छी तरह जानते हैं। कभी आप आते हैं, कभी मैं जाती हूँ, कभी और आते हैं, और वहाँ एक जगह है शहर के बीच में जहाँ हम चर्चा कर सकते हैं। आज नज़रिया इसलिए वहाँ डलिए क्योंकि वो बहुत महंगी ज़मीन है और बिल्कुल शहर के बीच में है, और ज़मीन के ऊपर कब्जा करने के लिए जो जो व्यवस्था को दुरुपयोग किया जा सकता है, जो सरकार के कानूनों को दुरुपयोग हो सकता है, जो कानून में, जो कानून को एक तरफ परे रखकर जो व्यवस्था को कब्जा कर सकते हैं, जैसे सत्ता कब्जा कर सकती है, सरकार कब्जा कर सकती है, वो किया गया है। जब ये हुआ तो हम कई लोगों ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से भी बात की और उनके द्वारा हमने मुख्यमंत्री को भी खबर पहुंचाया था कि जो हो रहा है वो गलत। समाज सेवा में आगे रहने वाली युवा एनजीओ की ओर से रविवार को C101 अहिंसा सर्किल पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर वरुण शर्मा ने बताया कि यह शिविर एक साल में दो बार आयोजित किया जाता है और ब्लड जरूरतमंदों को दिया जाता है जिससे उसकी जान बचा सके। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि ब्लड के कारण किसी की भी जान नहीं जाए। हमारे पिछले 3 वर्ष से हम लोग इसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। हम इसको साल में 2 बार ऑर्गेनाइज करते हैं, पहले रविवार के जनवरी को और पहले रविवार जुलाई के, ठीक है। और हम लोग जो है रक्तदान के साथ साथ हम सिर्फ गरीब और जरूरतमंद जो लोग होते हैं 24 घंटे हमारी सर्विस रहती है, हम उनको देते हैं ब्लड, और हम ब्लड के साथ साथ ही SDP जो है वो भी हम डोनेट करते हैं। और इस वक्त जो है ये हमारा चौथा साल चल रहा है जो हम लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, और इस बार का हमारा लक्ष्य है 500 यूनिट का। पूरा सामाजिक सेवा समिति है जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के सामाजिक सेवा काम करती है, जैसे सिकंजी प्रोग्राम है, बच्चों को पढ़ाना है, और SDP का जो है, और गरीब और जरूरतमंद लोगों का खर्चा भी हम लोग उठाते हैं। आज सुबह 8:30 बजे से कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें प्रदेश भर के युवा एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हर 6 माह में ये आयोजन होता रहता है और मेरी सबसे अनुरोध है कि आगे वाले आने वाले टाइम में सब रक्तदान करें और किसी की जीवन की रक्षा करें। अखिल भारतीय जांगिर ब्राह्मण महासभा जिला सभा जयपुर के तत्वाधान में जांगिर प्रदेश सभा भवन सेक्टर 4 विद्याधर नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यह रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे को 4:30 बजे तक आयोजित किया गया। ये प्रेरणा मिली कि हमारे जांगिर समाज के पूरे जयपुर जिले में से कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी सीरियस अवस्था में एक्सीडेंट बंधु पहुंचता है, या कोई सीरियस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचता है, या कोई डिलीवरी पीरियड में कोई औरत पहुंचती है, तो उनको ब्लड की आवश्यकता बहुत भयंकर पड़ती है। और ब्लड की यदि व्यवस्था नहीं होती है तो उनके परिजन परेशान होते हैं, और सही समय ब्लड नहीं मिलता है तो वो जो हमारे जांगिर बंधु हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो उसी को प्रेरित या उसी से प्रेरित होकर के कि हमारे जांगिर बंधु पूरे जयपुर जिले में ब्लड के अभाव में परेशान नहीं हो, उसके लिए मैंने अखिल भारतीय जांगिर ब्राह्मण महासभा जिला सभा जयपुर के तत्वावधान में जिला कार्यकारिणी एवं जयपुर जिले की सभी तहसील सभाएं, सहयोगी संस्थाएं, विकास समितियां, शाखा सभाएं, सबको मिलाकर के आज ये ब्लड डोनेशन कैंप, विशाल ब्लड डोनेशन कैंप रखा। और इसमें जो लक्ष्य है वो लगभग 500 यूनिट एकत्रित करने का है, और ये मानव यथार्थ, इंसान की यथार्थ है कि जब कभी भी इसके बाद किसी भी इंसान को, सब वैसे लक्ष्य जो पहला है समाज को है, लेकिन उसके अलावा नहीं, कोई भी हो, इंसान हो, उसको यदि ब्लड की आवश्यकता होगी और वो सीरियस अवस्था में है तो उनको हम ये ब्लड उपस्थित करवाएंगे। और शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस अपेक्स बैंक में सहकारिता विभाग व अपेक्स बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता प्रतिपादित की और कहा कि ग्राम सेवा सहकारिता समिति खाद बीज के वितरण तक ही सीमित रहने के साथ गांव की जरूरत की सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश की शेष रही ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मिनी बैंक खोलने के साथ ही इन्हें कंप्यूटराइज्ड कोर बैंकिंग सुविधा से जोड़ा जाएगा ताकि ग्रामीणों को गांव में ही आधुनिक बैंकिंग सुविधा मिल सके। सहकारिता दिवस है, उसमें आज हम सब लोग यहाँ मिल रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को जो भी समिति से जुड़े हुए हैं उनको बुलाया भी गया है, और इसके लिए मेरा ये संदेश है कि सहकारिता
जिसमें कि विश्व के लगभग 100 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, और कम से कम भारत के 25 करोड़ व्यक्ति सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सहकारिता आंदोलन राजस्थान अग्रणी उसमें रहे। ग्राम पंचायत स्तर पर GSS ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन हो, मिनी बैंक बने, और उसके बाद में उनको कंप्यूटराइज करें ताकि किसी भी कोई भी व्यक्ति उसका संचालन कहीं भी कर सके। और आज के युग में ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से व्यावसायिक संस्थाएं और दूसरी संस्थाएं प्रतिस्पर्धा हम कर सके, और इसके लिए हम पूरे तैयार हैं। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर मनाई गई। इस मौके पर हुए पुष्पांजलि कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अशोक परनामे, शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ, सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी और सांसद रामचरण बोहरा के अलावा सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, आज उनकी जयंती है। आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनकी जयंती मना रहा है, और इस बात को भी आज पूरे देश को एहसास हुआ कि जिन सिद्धांतों को लेकर के, जिन विचारधाराओं को लेकर के आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया था, आज पूरे देश की जनता ने उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने उसने भी कहा था, जब उन्होंने कश्मीर में बलिदान हुए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे इस देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, एक प्रधान, एक निशान और एक विधान चलेगा। में सरकार बनी है, प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश की जनता ने उस दल को चुनकर के भेजा है, जिस दल का निर्माण आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस विचारधारा को लेकर के बनाया था, जिस उद्देश्यों को लेकर के बनाया था, तो निश्चित रूप से उनका सपना पूरा होगा। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मनरेगा कानून को योजना में बदलने के सीएम के सुझाव पर मचा बवाल, भाजपा के पदाधिकारियों में नजर आया विरोधाभास। सीएम के मनरेगा कानून को योजना में बदलने के सुझाव को पूर्व मुख्यमंत्री ने ठहराया गलत, कहा मनरेगा को कानून ही बना रहने देना चाहिए। और 26वें दिन भी जारी रहा कंप्यूटर शिक्षकों का धरना, दंडवत रैली निकालने की दी चेतावनी। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।